सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, सारे मजे में होंगे। चलिए ठीक है, तो आ गए हम आपके साथ सीखने के लिए। क्या सीख रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी सीख रखा था, उसका पीडीएफ दिया गया था, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और उसमें कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप हमें इसी ग्रुप में आप सेंड कीजिएगा। ओके, तो 10th C का ग्रुप है जिसमें वीडियो जाता है, उसी ग्रुप में मैसेज किया कीजिए। ठीक है बच्चे, सो स्टार्ट करते हैं। एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ वीडियो, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो शायद हाँ सही चल रहा है। चलो, तो अब हम जो है नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, या बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पढ़ेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, हम देखेंगे। तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेट का, मैग्नेट। ओके, तो ऐसा पाया गया कि नेचर में बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं, बहुत सारे सब्सटेंस में से कुछ सब्सटेंस कुछ अदर सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, थोड़े बहुत सब्सटेंस जो है ना किसी और सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि कोई मटेरियल जो है दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो जो मटेरियल अट्रैक्ट करता है दूसरे मटेरियल को, उसको बोलते हैं मैग्नेट। एंड जो मटेरियल अट्रैक्ट होता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो याद रखेंगे सम सब्सटेंस attracts another some other substance is known as magnet. Okay, is known as magnet. जनरली जो होगा ये सब्सटेंस अपीयर इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एंड मेटलिक। ये क्या होता है, मेटलिक भी होता है, मतलब कि करंट इससे फ्लो कर सकता है, मेटल होता है। ओके, सो बहुत सारा मेटल जो है ना किसी और अनदर मेटल की बात करते हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो हो गया ना, ये आयरन, ये सब क्या हो गया, फेरस सब्सटेंस, ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में निकेल होता है, आयरन होता है, और ये सब होते हैं सब्सटेंस, मेटल जो होते हैं ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट भी दो तरह का होता है। मैग्नेट क्या होता है, दो तरह का होता है। एक परमानेंट मैग्नेट जो नेचर में ऐसे ही पाया जाता है, जिसको नेचुरल मैग्नेट भी बोल सकते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट, या फिर जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, तो जो फैन फैन में कॉइलिंग होती है या मोटर में कॉइलिंग होती है, इलेक्ट्रिक मोटर में, वो सब जो कॉइल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, सो मैग्नेट जो होता है दो तरह का होगा, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट जो कि हेमेटाइट होता है, और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है हमें दो तरह का देखने को मिलता है, एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, इसको हम नेचुरल मैग्नेट बोल सकते हैं, और इसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, इसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ओके, और दूसरा जो होता है आपका आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियल मैग्नेट और आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके चलिए, सो मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट के साथ क्या होता है, फील्ड के थ्रू इंटरैक्ट करता है। ओके, फील्ड के थ्रू इंटरैक्ट करता है, फील्ड फोर्स के थ्रू, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे और फिर बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आएंगे। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डिफिनेशन दिया था, आप जाके चेक करोगे, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन होगा। इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अंतर होता है, क्या अंतर होता है वो हम बता देंगे। तो क्या होता है, मैग्नेट के आसपास का एरिया, मैग्नेट के आसपास का स्पेस, एरिया भी नहीं स्पेस बोलेंगे, सराउंडिंग स्पेस, जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। ओके, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सी बात है, फील्ड करने का मतलब आसपास का स्पेस फील्ड होता है। तो स्पेस स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर 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 मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय अनदर अनदर मैग्नेट जो होता है उसको हम टेस्ट मैग्नेट बोलते हैं, अनदर टेस्ट मैग्नेट। ओके, याद रखेंगे मैग्नेट जो है हमेशा डायपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायपोल कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल डायपोल जैसे होगा, कंबिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही मैग्नेट में मतलब कि हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक छोटा सा छोटा मैग्नेट को तोड़ के कितना भी छोटा हम अगर मैग्नेट उसका पार्ट ले या पार्टिकल भी ले, एक छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे, तो उसमें भी दो पोल एग्जिस्ट करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट स्ट्रेंथ का। ओके, एक इक्वल मैग्नीट्यूड में स्ट्रेंथ जो है दोनों पोल का इक्वल होता है, बट नेचर में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। सो मैग्नेट जो है चार्ज जो है मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है, मोनो चार्ज जो है एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज अलग एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अलग एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट के केस में जो पोल होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये जो है दोनों हमेशा, छोटा से छोटा मैग्नेट अगर हम बात करेंगे तो उस केस में भी जो है दोनों हमेशा साथ साथ में ही रहेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ पॉजिटिव पोल या सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं होता है, सिर्फ साउथ पोल नहीं होता है, जब भी होगा तो नॉर्थ साउथ दोनों साथ में होगा। ओके, सो मैग्नेट, इसीलिए हम मैग्नेट को मैग्नेट नहीं बोलते हैं, जनरली मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। डायपोल करने का मतलब कंबिनेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर का, इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहोगे तो उसमें चार्ज आ जाएगा और इसमें मैग्नेटिक चार्ज की बात करेंगे जो कि पोल आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट क्या है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें हमेशा क्या होगा, दोनों पोल होगा नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, निकलता है और साउथ पोल को इंटर करता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल को इंटर करता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल को इंटर करता है। ओके, सो नॉर्थ पोल से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड साउथ पोल को एंटर करता हुआ दिखेगा,
और ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, ये जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा क्लोज लूप में होगा, ओके, मतलब कि कहीं से भी जो है ये फ्री नहीं होगा, इसका लाइन की तरह नहीं, एक एंड इधर दूसरा एंड, इसमें कोई एंड नहीं, हमेशा जो है जैसे क्लोज लूप होता है रस्सी का बंधा हुआ सर्कुलर टाइप का, तो वो घेरे में लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ओके। सो याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप ऑलवेज, क्लोज लूप के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है बच्चे। सो इसको ध्यान में रखेंगे कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट सर्टेन सब्सटेंस नेचर का दूसरी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, उसको मैग्नेट बोलते हैं, और उसको हम बेसिकली परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे या नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो एक मैग्नेट के आसपास का स्पेस जहां पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट फील किया जा सकता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ओके। सो कोई भी मैग्नेट अपने ही फील्ड के कारण कोई एक्सपीरियंस कोई फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई भी मैग्नेट जो है अपने ही फील्ड के कारण कोई फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है। जब दो मैग्नेट आएगा आसपास तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। दो मैग्नेट, आप लोग मैग्नेट से प्ले भी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे प्ले कर रखे होंगे कि किस तरह से बिहेव करता है मैग्नेट। सो मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, रिपेल भी कर सकता है अट्रैक्ट भी कर सकता है। किस कंडीशन में रिपेल करेगा, किस कंडीशन में अट्रैक्ट करेगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मैग्नेट समझ के मैग्नेट दो तरह का पढ़ना होगा हमें, परमानेंट मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, ओके। तो ये याद रखेंगे मैग्नेट जो है हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में हम मिलता है, कैसा कोई भी मैग्नेट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट और या फिर परमानेंट मैग्नेट, हमेशा जो है मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे बीच में मतलब हमने नहीं दिखाया, इसमें कहोगे सर ये तो लाइन है, बट ये जो है बहुत दूर से जाके यहाँ से जाके इसको अटैच कर रहा है, ओके। तो उसको हम नहीं दिखा पाए, तो सारा लाइन जो है क्लोज लूप का ही फॉर्मेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि जो लाइन निकला वो उधर चला जाएगा, वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, ओके। नॉर्थ से निकला तो वो साउथ को जाएगा ही जाएगा, समझ गए। सो ये बात याद रखेंगे, चलिए। तो आई होप कि यहां तक समझ गए आप। ना हम बात करेंगे मैग्नेटिक पोल के बारे में, पहले बातचीत कर लेते और उसके बाद अगेन इस पे जाएंगे। तो मैग्नेटिक पोल की बात करेंगे तो मैग्नेटिक पोल क्या होगा, जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको प्लस एम बोला जाता है, इसको माइनस एम बोला जाता है, इसमें प्लस एम माइनस एम चार्ज के इक्विवेलेंट माना जाता है, ओके। इसको प्लस एम को पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, मैग्नेटिक चार्ज, ओके। सो प्लस एम को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज कंसिडर करते हैं और माइनस एम को निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज कंसिडर करते हैं। तो जहां पर नॉर्थ पोल होगा, मतलब जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है एग्जिट कर रहा है, बाहर आ रहा है, उसको हम प्लस एम बोलते हैं। और जहां पे साउथ है, साउथ पोल होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल सकते हैं, ओके। सो इसको समझो, इसको इस तरह से दो ही बनाते, तो ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल को एंटर कर रहा है। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका,
क्या होता है, इनसाइड मैग्नेट की बात करेंगे तो इनसाइड मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम, जैसा कि दिख रहा है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पोल का डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, तो पोल क्या होता है, स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट पोजीशन इन मैग्नेट और पॉइंट इन मैग्नेट, वेयर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मैक्सिमम, जहां पे कंसंट्रेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैक्सिमम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोल देंगे। ओके, तो इसको आप ऐसा समझो, ओके, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देखो तो यहां पर है और यहां पर है, तो दो जगह कंसंट्रेशन होता है, तो दो पोल होता है किसी मैग्नेट में, दो जगह मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है तो दो पोल होता है, और एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, इमिनेट हो रहा है, इमिनेट हो रहा है, बाहर आ रहा है, और एक जगह एंटर कर रहा है, तो जहां से इमिनेट होता है बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, एंड जहां पे एंटर करता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो पोल क्या होगा, पॉइंट इन मैग्नेट वेयर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैक्सिमम, और कंसंट्रेशन की जगह डेंसिटी की भी बात कर सकते हो, यहां पे कंसंट्रेशन की जगह डेंसिटी का भी बात कर सकते हैं हम। ओके, सो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैक्सिमम इज नोन एज पोल। अब दो तरह का पोल होता है, दो तरह का पोल होता है भाई, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की बात करेंगे तो नॉर्थ पोल क्या होगा, अब एंड ऑफ मैग्नेट फ्रॉम वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिनेंट करने का मतलब बाहर आना, ओके, is known as north pole and south pole की बात करेंगे तो south pole क्या होगा, end of magnet at which magnetic field lines enters into the magnet, okay, so ये याद रखेंगे। और ये क्या होगा, मिडिल ऑफ द मैग्नेट जो होता है, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और यहां पर कहीं पर ये जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट, ओके, मैग्नेट में
यहाँ पे जो है न्यूट्रल पॉइंट होता है। ओके सो याद रखेंगे मैग्नेट में जो है एंड पे जो है दोनों एंड पे क्या है बार मैग्नेट है अगर तो दोनों एंड पे होता है पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल और इसके बीच में देखेंगे तो न्यूट्रल पोजीशन होता है जहां पे ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन कुछ भी मतलब कि अट्रैक्शन रिपल्सन की बात नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग जीरो होता इधर से ना बाहर निकलेगा ना अंदर जाएगा। ओके यहां से ना बाहर निकलेगा ना ही अंदर जाएगा। ओके तो न्यूट्रल पॉइंट करने का मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ही एंटर करेगा ना ही वहां से बाहर निकलेगा एग्जिट मारेगा। चलिए तो आई होप ये समझ गए आप। श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो मैग्नेट है या नहीं है तो कैसे पता चलेंगे बताओ। कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेट है या नहीं है ओके तो कैसे पता चलेगा या कोई मैग्नेट है या नहीं है ये मैग्नेट है या नहीं है तो इसका क्या कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे दूसरा मैग्नेट लाएंगे और इसको हम चेक करेंगे तो देखेंगे रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों तरह से इंट्रैक्शन अगर हो रहा है तो कह सकते हो कि ये मैग्नेट है ओके आप ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेट है इंट्रैक्शन हो रहा है तो बट इंट्रैक्शन दोनों तरह से होता है दोनों तरह का होता है रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। ओके तो याद रखेंगे कि ये जो है श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट मटेरियल का जो होता है वो रिपल्सन होता है। ओके कोई मैग्नेट जो है न्यूट्रल कोई मैग्नेटिक मटेरियल है मान लो कि निकल कोबाल्ट है तो न्यूट्रल मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर सकता है इसको ऐसे टच कराएंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा तो ये मे भी ये मैग्नेट है लेकिन ये मान लो कि ये आयरन है मैग्नेट नहीं है नॉर्मल निकल है मैग्नेट नहीं है ये तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो अगर कोई मान लो कि ये मैग्नेट है तो इसका ये एंड या फिर ये एंड टच करेंगे तो ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा तो कोई मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर सकता है बट अगर ये मैग्नेट है तो ये एक मैग्नेट को रिपेल करना चाहिए। अगर मान लो कि नॉर्थ साउथ रखा तो ठीक है क्या होगा अट्रैक्शन भी होगा और एक पोजीशन में रिपल्सन भी होगा। ओके सो अगर कोई मटेरियल या सब्सटेंस या आपका कोई वर्क पीस बोल सकते कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या नहीं है उसका जो टेस्ट होता है श्योर टेस्ट होता है रिपल्सन का। अगर ये मैग्नेट होगा तभी इस मैग्नेट को रिपेल कर पाएगा नहीं तो अगर ये मान लो मैग्नेटिक मटेरियल है तो कैसा भी इसको नॉर्थ से करो तो भी अट्रैक्ट साउथ से करो तो भी अट्रैक्ट। अगर ये मैग्नेट होगा तो नॉर्थ नॉर्थ अगर होगा तो रिपेल करेगा नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ हो जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। ओके सो इस केस में ये याद रखेंगे। इसके अलावा नॉर्थ पोल क्या करता है नॉर्थ नॉर्थ जो होता है रिपेल ईच अदर। एंड नॉर्थ साउथ जो है अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मान लो कि दो मैग्नेट है ऐसा आपका नॉर्थ और ये साउथ है और इसका नॉर्थ है इधर और ये साउथ है तो ये जो फोर्स लगेगा इस पे इधर लगेगा और ये फोर्स जो है इधर लगेगा रिपेल करेगा ये इस तरह से क्या करेगा रिपेल करेगा। सो नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। अगर मान लो कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये नॉर्थ है तो ये भी साउथ साउथ क्या होगा साउथ साउथ भी क्या होगा साउथ साउथ जो होगा वो भी रिपेल करेगा। ओके तो ये जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा तो रिपल्सन यहां पर भी हो रहा है। ओके याद रखेंगे। और अगर इस तरह से है आपको मान लो कि नॉर्थ साउथ है
ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन अट्रैक्शन। अगर मान लो कि ये इस तरह से नॉर्थ है, साउथ है, साउथ है, नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, अट्रैक्शन। जो है इस तरह से एक दूसरे पे फोर्स लगेगा। ओके, तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, और साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा। और अगर इस तरह से मान लो बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ है, और यहां पे इस तरह से ये प्लेस्ड है नॉर्थ साउथ, तो ये क्या करेगा, इस पे ये वाला इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा और ये वाला जो है इस पे ऐसा फोर्स लगाएगा। ओके, तो अट्रैक्शन हो गया। ये ऐसा भी है नॉर्थ साउथ, और यहां पे ये मान लेते हैं कि साउथ नॉर्थ है, तो भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, इस सिचुएशन में भी अट्रैक्शन हो सकता है। ओके, तो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, आई होप आप इसको याद रखेंगे बच्चे। चलिए, सो सियोर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे। सियोर टेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेट जो होगा वो क्या होगा, इज रिपल्सन। याद रखेंगे, सियोर टेस्ट जो है कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या नहीं है उसको दूसरे मैग्नेट के साथ अगर रिपेल कर रहा है तो इससे पता चलेगा कि मैग्नेट है। नहीं तो कोई मैग्नेट जो है, ये अगर मान लो कि मैग्नेट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी, कोई न्यूट्रल जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, यहां पर प्लेस करेंगे तो इस तरह से याद रखेंगे। और ऐसा भी है, अगर मान लो कि अगर आपका नॉर्थ साउथ हो गया इस तरह से प्लेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ साउथ ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो ये रिपल्सन हो गया, फोर्स जो लगेगा ये रिपल्सन हो जाएगा। और अगर मान लो कि ये ऐसा है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए, सो आप इसको आई होप कि यहां तक समझ गए, मैग्नेट से प्ले किए होंगे, इसमें याद रखेंगे कौन कौन सा सिचुएशन में अट्रैक्शन होगा, कौन सा रिपल्सन होगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, सियोर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, तो आप बोलेंगे रिपल्सन, बिकॉज ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट नॉन मैग्नेट, ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट नॉन मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल का है बट मैग्नेट नहीं है उसको अट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए अगर मैग्नेट है तो उसमें रिपल्सन होगा ही होगा। ओके, सियोर टेस्ट जो होता है रिपल्सन होता है, इसको हम याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा, ये समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह का होगा, ये समझ गए। पोल क्या होता है, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक और डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होगा वो क्या होता है, पोल कहलाता है। नाउ हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में।
इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के रिगार्डिंग बात करेंगे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब उसमें हम बातचीत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ओके, तो आई होप बच्चे कि ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक पोल का डिफिनेशन क्या होगा, मैग्नेट जो है हमेशा मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमेशा क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा। तो इतना कंटेंट आज इस वीडियो में रख लेते, अब इसको ये नया टॉपिक है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। तो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और घर पे हैं तो काम कीजिए, मम्मी पापा का बात मानिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, खेलेंगे भी, मूवी भी देखेंगे, ठीक है भाई, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। बहुत सारा शिकायत आता है कि घर पे लड़ते रहते हैं बच्चे और आपस में ही झगड़ लेते हैं, तो कभी कभी मम्मी पापा से मार भी खा लेते हैं भाई, कोई झाड़ू से मार खा रहा है, कोई चप्पल से मार खा रहा है, तो इस तरह से हरकतें मत कीजिए कि आपको भी झाड़ू पड़े, चप्पल पड़े। ओके, सो झगड़ा मत कीजिए, बाकी सारे काम कीजिए अच्छे से। चलिए, थैंक यू।